हेलो, आप सभी देखने वाले लोगों को राजेश का नमस्ते। मैं एक आज वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में पौराणिक कथाओं में से एक कहानी को पढ़ रहा हूँ। मौत की भी मौत। जो ईश्वर का भक्त होता है उसका स्वामी ईश्वर होता है, उस पर मौत का अधिकार नहीं होता। अंधकार चेष्टा करने से मौत की भी मौत हो जाती है। गोदावरी के तट पर श्वेत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनका सब समय निरंतर साम्य सदा शिव की पूजा में व्यतीत होता था। वे अतिथियों को शिव समझकर उनका भली भांत आदर सत्कार किया करते थे। उनका शेष समय भगवान के ध्यान में बीतता था। उनकी आयु पूरी हो चुकी थी किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान न था। उन्हें न रोग था न शोक, इसलिए आयु पूरी हो चुकी है इसका आभास नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में केंद्रित था। यमदूत समय से उन्हें लेने आए परंतु वे उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा, मृत्युदेव श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी नहीं आए। यह सुनकर मृत्यु को श्वेत पर बहुत क्रोध आया। वे स्वयं उन्हें लेने दौड़े। गृह के द्वार पर यमदूत भय से कांपते दिखाई पड़े। उन्होंने मृत्यु से कहा, नाथ हम क्या करें? श्वेत तो शिव के द्वारा सुरक्षित है, उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। उसके पास पहुंचना तो अत्यंत कठिन है। दूतों की बात सुनकर मौत मौत का क्रोध और भभक उठा। वे झट ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को यह पता न था कि कहाँ क्या हो रहा है। मृत्युदेव को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा, मृत्युदेव आप लौट जाइए। किंतु मृत्युदेव ने उनकी बात को अनसुनी कर श्वेत पर फंदा डाल दिया। भक्त पर मृत्यु का यह आक्रमण भैरव बाबा को सहन न हुआ। उन्होंने मृत्यु पर डंडे से प्रहार किया। मृत्युदेव वहीं डंडे ठंडे हो गए। यमदूत भागकर यमराज के पास पहुँचे। वे डर के मारे थर थर काँप रहे थे। मृत्यु की मृत्यु सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध हो आया। उन्होंने हाथ में यमदंड ले लिया और अपनी सेना के साथ श्वेतक के पास पहुंच गए। वहां भगवान शंकर के पार्षद पहले से ही खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज की भी मृत्यु हो गई। यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास पहुँचे तो ब्रह्मा उन सबके साथ घटनास्थल पर आए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, भगवान यमराज सूर्य के पुत्र हैं, ये लोकपाल हैं, इन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इन्हें जीवित कर दें नहीं तो अव्यवस्था हो जाएगी। भगवान आपसे आपसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। भगवान आशुतोष ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की यह व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों के अनुचरों के साथ प्रणाम करें। इसके बाद भगवान आशुतोष ने नंदी के द्वारा गोदावरी गंगा गोदावरी का जल भरे हुए लोग पर छिड़काए। तत्पश्चात सबके सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए।